तो क्या पांच छक्के लगाने वाले और केकेआर को जिताने वाले रिंकू सिंह अब केकेआर का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि खुद रिंकू सिंह ने अब नई टीम से खेलने की इच्छा जाहिर की है। कह सकते हैं कि ऑक्शन से पहले रिंकू सिंह के एक बयान ने हाहाकार मचा दिया है, क्योंकि अब रिंकू सिंह खुद कह रहे हैं कि अगर केकेआर उनको रिटेन नहीं करता तो फिर वो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से खेलना पसंद करेंगे, जहां पर विराट कोहली होंगे। और विराट और रिंकू का रिश्ता तो पिछले आईपीएल में सबने देखा। दरअसल एक चैनल से बातचीत करते हुए जब रिंकू सिंह से पूछा गया कि अगर केकेआर नहीं तो दूसरी कौन सी टीम, तो उन्होंने छूटते ही आरसीबी का नाम लिया। इस दौरान रिंकू सिंह ने कहा कि यदि आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले केकेआर मुझे रिलीज करती है तो मैं आरसीबी में जाना चाहूंगा। इसका सीधा सा कारण है कि वहां विराट कोहली है। दरअसल विराट कोहली के कारण केकेआर को भी अब रिंकू सिंह छोड़ सकते हैं। रिंकू सिंह वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 6 साल से केकेआर का हिस्सा है, कई मैचेस जिताए हैं, लेकिन अमाउंट के तौर पे उन्हें 50 से 55 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन अब उनका भी मन बदल रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि अगर रिटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नियम कुछ अलग होते हैं, तो फिर वो आरसीबी में जाना पसंद करेंगे, यानी कि ऑक्शन टेबल पर रिंकू सिंह आ सकते हैं। आपको याद होगा पिछली बारी कैसे रिंकू सिंह को विराट कोहली ने बैट दिया था और उनकी बातचीत जो थी वो सामने आई थी। इसमें रिंकू सिंह बता रहे थे कि जो आपने बैट दिया था वो टूट गया है, तो विराट ने कहा था कि क्या आप एक और बैट मुझसे मांगना चाहते हैं। तो एक अच्छा रिलेशनशिप जो है वो रिंकू सिंह और विराट कोहली के बीच में है, और अब रिंकू सिंह भी विराट की टीम यानी कि आरसीबी में खेलना चाहते हैं। रिंकू सिंह के आईपीएल करियर की अगर बात की जाए तो फिलहाल आपको बता दें कि इस बारी ऑक्शन का जो नियम हो सकता है वो 3+1+1 यानी कि 3 इंडियन खिलाड़ी, 1 ओवरसी और 1 आरटीएम खिलाड़ी, ये नियम लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा रिंकू रिटेन नहीं हुए तो फिर दूसरी टीम में जा सकते हैं, खुद उन्होंने कहा कि आरसीबी में खेल सकते हैं। विराट से रिंकू का रिश्ता वाकई बहुत शानदार है, 2018 से केकेआर में वो जुड़े हुए हैं, लेकिन 55 लाख रिंकू सिंह का आईपीएल प्राइस है। ऑक्शन में जाते हैं तो लगभग 10-12 करोड़ की इन पे बोली लग सकती है। और केकेआर के लिए रिंकू ने 45 मैच में 893 रन बनाए हैं, 30 के ऊपर का औसत है, 143 का स्ट्राइक रेट है, 4 बारी हाफ सेंचुरी आई है। रिंकू सिंह का क्रिकेट करियर अगर देखें तो 18 अगस्त 2023, ये विराट कोहली ने भी 18 अगस्त को ही डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो रिंकू सिंह ने भी 18 अगस्त को ही किया था। ये भी एक वजह है कि रिंकू और विराट का रिश्ता काफी शानदार है। 18 अगस्त 2023 को डेब्यू हुआ था T20 में, तो 19 दिसंबर 2023 को ही वनडे में डेब्यू किया। वनडे के 2 मैच में 55 रन 27 के ऊपर की औसत से, तो T20 के 23 मैच में 418 रन लगभग 60 के करीब की औसत से 250 इसमें आए। तो रिंकू सिंह तो कह रहे हैं कि अगर केकेआर रिटेन नहीं कर पाती तो आरसीबी में जाना चाहते हैं, और केकेआर के लिए भी मुश्किल फैसला होगा कि किसको रिटेन करें। श्रेयस अय्यर भी हैं, रिंकू सिंह भी हैं, वेंकटेश अय्यर भी रहेंगे, वरुण चक्रवर्ती भी रहेंगे, तो किसको वो रिटेन कर पाएंगे। इसके अलावा ओवरसीज प्लेयर में भी काफ़ी माथा पच्ची करनी पड़ेगी केकेआर को, लेकिन अब तो रिंकू सिंह के इस बयान ने वाकई खलबली मचा दी और केकेआर को भी एक तरीके से संकेत दे दिया है कि अगर रिटेन नहीं करते तो दूसरी टीम में जाना उनका तय है। देखना दिलचस्प होगा कि जब केकेआर की रिटेंशन लिस्ट आती है तो रिंकू सिंह का नाम उसमें होता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह को किस टीम से खेलना चाहिए, कॉमेंट करके जरूर बताएं।